अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी क्राइंग मूवमेंट्स। तो करते वीडियो स्टार्ट, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। वर्ल्ड कप जीते ना जीते हैं आप, आप इंडिया से जरूर जीते हैं। वर्ल्ड कप जीते ना जीते, लेकिन इंडिया वाला मैच जरूर जीतना चाहिए। एटलीस्ट आप वर्ल्ड कप आ रहे हो, इंडिया से जीत जाओ मैच। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में दूसरी बदतरीन शिकस्त। भारत ने आम टाकरे में 6 रन से हरा दिया। अब हमारी औकात नहीं है इंडिया के सामने खड़े होने की, हमारे लिए औकात नहीं है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा सा झटका लग गया। ये झटका बड़ा ही खतरनाक झटका था, ये झटके नहीं लगने चाहिए। इंडिया को हरा दिया तो उनके भी 4 पॉइंट हो गए। तो हम जो कल बात कर रहे थे कि इंडिया पहुंच गया, तो इंडिया नहीं पहुंचा। ये तो प्रॉब्लम है, आप फिर ठीक कर देता हूं। भारत ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब बोलिए कैसा लग रहा है? बर्बाद करके रख दिया है आपने। मैं आप क्यों नहीं देखूंगा? ऐसा मत करो मेरी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद। सरकार से ग्रुप बी में जैसे पाकिस्तान और इंडिया लग रहा है, फिर क्वालिफाई करेगा। मैं तो समझती हूं पाकिस्तान फाइनल जरूर खेलेगा। जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान। आइए देखते हैं मैच। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान वापस आएंगे। क्रिकेट खेल की हद नहीं उसके पास पहुंचे हैं, और उनसे जानने आए हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा, पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा या अमेरिका को शिकस्त होगी। यहां पर 2 क्रेट रखे हुए हैं, एक पे पाकिस्तान और दूसरे क्रेट पे अमेरिका का झंडा लगा हुआ है, और केले दोनों के ऊपर बराबर ही रखे हुए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के झंडे के ऊपर जो रखे गए फ्रूट है वो इस हथनी ने खा लिया है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आज मैच जीतेगा और अमेरिका को होगी शिकस्त। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट, अमेरिका ने पाकिस्तान को 5 रन से हरा दिया। हमारी यही है कि अगर हमारा मुल्क, हमारी टीम वापस आ गई है ना, तो इंडिया ना जीते। हमारी तो यही दुआ है वो हार जाए। A few moments later, भारत दूसरी बार T20 क्रिकेट का आर्मी चैंपियन बन गया। दक्षिण अफ्रीका को भारत के हाथों 7 रन से शिकस्त। खुश हो तू? मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, पाकिस्तानी हूँ। बाबर को किंग कहते हैं, एक तरफ हम उठा के कोहली को किंग कहते हैं, 2 किंग कहलाते हैं, 2 बाकी दुनिया में कोई किंग नहीं है। अब तो सर बोल दे खड़ा हुआ है, बाबर आजम हमारा खड़ा हुआ है। आयरलैंड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, नहीं खड़े होते तो इंडिया के खिलाफ खड़े नहीं होते, नहीं खड़े होते तो बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मैचों में खड़े नहीं होते। US की साइड की बात करें, पहली दफा ऐसे पोस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था और वो आगे सुपर 8 खेल रहे और हमारा ना खेलना। यार US जो है ना वो आ गई है बस, वो मैं फिर बोल रहा हूँ पाकिस्तान की मेहरबानी है। पाकिस्तान टीम जो कि काबुल में ट्रेनिंग करके आई है, कि पाकिस्तान की एक बेहतरीन मजबूत टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है। इस बार बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हमारे पास। आइए देखते हैं मैच। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, भारत मैच की क्लास, लानत पड़े उन लोगों पे मैं तो कहता हूं। ICC इंडिया को इतनी फेवर्स देता है, मतलब हर लिहाज से उनको लाडला बनाया हुआ है। और जैसा मैंने कहा था कि मेरी भरपूर सपोर्ट इंडिया के साथ है।
इंडिया से हम लोग जीते इंशाल्लाह कि मेरे ख्याल से बड़े हिस्टोरिकल विन होगा इंडिया के जो फैंस है ना मेरा उनका मैसेज है कि जब पाकिस्तान जीतेगा ना तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है हाँ ये जरूर बोल दूं कि टीवी वगैरह जो है ना वो आपने नहीं तोड़ना पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में दूसरी बदतरीन शिकार भारत ने आम टाकरे में 6 रन से हरा दिया ऐसे टीम के ऊपर जूतियों के हाथ डाल के इन प्रणों को रसीद करना चाहिए कोई कुछ नहीं बोलेगा कोई कुछ नहीं बोलेगा ओके कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा बिल्कुल यार एक लोगों ने अपना जो गुस्सा है ना वो सही निकाला है बाबर के ऊपर के जो एक बाबर बाबर करते हैं ना एक दूसरी तरफ इधर आ जाए तो एक मूवमेंट वाकई ऐसे बने हुए थे एक बहुत हम प्राउड से बोल रहे थे कि हम वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है ना इस बार घर लेकर आएंगे क्योंकि एक ट्रेनिंग ही इतनी स्पेशल जगह हुई है कि जो सोच भी नहीं सकते इसीलिए भाई वो अब काफ़ी ज़्यादा हमें यकीन था लेकिन वो ट्रेनिंग इतनी उल्टी पड़ी है कि हम सुपर एट में भी नहीं गए हम जीते भी नहीं पहले ही उल्टी पड़ी इनको समझ नहीं आई पहले भी ट्रेनिंग लेके चार दफा आ रहे हैं वो ये शायद समझ रहे थे कि शायद इस दफा कोई मतलब बंद कोई सेट बैक कर देंगे लेकिन वो फिर ये भी उल्टा पड़ गया लेकिन ये सीखते फिर भी नहीं ना सीखने वाली भाई एक बात ही नहीं है और जो सबसे एक फनी मूवमेंट था ना वो एक हथनी वाला था वो आ? बंदा देखो ना एक मतलब कि वो एक्सप्रेस न्यूज का था दुनिया न्यूज का तो उसमें भी ना एक काफी एक कॉन्फिडेंस था कि आज एक यूएसए के साथ एक हमारा मुकाबला है तो हमने 100% एक जीत जाना है थोड़ा एक मतलब कि थोड़ा सा एक हथनी की भी तारीफ हो जाएगी कि हथनी सच बोलती है और एक हमारा भी एक चल जाएगा कुछ लेकिन उसको सही एक मतलब की चीजें उल्टी पड़ गई हैं हथनी ने तो बोला पाकिस्तान जीत जाएगा एक वो ही केला खा क्या खा रही थी केले खा रही थी लेकिन भाई यूएसए से हार गए हथनी बेचारी को भी गाली ये ऐसे लोग दे रहे थे और ये जो रिपोर्टर था इसको भी दे रहे थे क्योंकि ये तुक्का लगाते हैं जब इनको पता हो कि बाकी ये टीम ना कुछ जीतने के लायक है लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अब एक जो एक न्यूज वगैरह पर बैठे थे मुझे तो लगता है ये बेचारे आदत से मजबूर है ऐसे मतलब कि इनके अंदर से बातें ऐसे जानबूझ कर करते हैं कि इंडिया को दुख लगेगा वो मतलब कि हार जाएंगे ऐसे एक लोगों को ना एक गुमराह करने के लिए लेकिन फिर भी अब देखो एक एक ये कैसे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे नहीं ऐसे ही है लेकिन ये कि इसी तरह ना इन्होंने एक दो साल तोता था वो एक इन्होंने चलाया वो क्या करता था वो एक ये कार्ड्स वगैरह रखते थे ऊपर नाम लिख के वो जो कार्ड निकालता था ना ये मतलब एक दो दफ़ा उसका गैस चल गया लेकिन ये कि सेम टू सेम ये सिचुएशन इन्होंने ना हाथी के ऊपर अप्लाई की ये इनको पता था कि शायद हम अमेरिका से जीत जाएंगे इसलिए भाई हाथी के सामने केले रख दिए और क्योंकि इन्होंने अगला पूरा साल जो है ना उससे पैसे कमाने थे वैसे तो उस बेचारी को इन्होंने भूखा रहा लेकिन उस दिन उसकी भी सुनी गई कि उसको केले खाने को मिल गए हैं लेकिन वो एक उल्टा पड़ गया क्योंकि मैच हार गया और साथ हाथी वाला शो जो है ना वो भी फ्लॉप हो गया बाकी भाई एक जो है ना वो मतलब जब मैच नहीं होता तो उस वक्त ये बड़े फंदे का बने होते हैं इंडिया से नहीं हारना चाहिए वर्ल्ड कप हार जाए बल्कि ये एक हमेशा हम सुनते हैं कि जो मर्जी हो जाए वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन इंडिया से नहीं हारना चाहिए कोई एक आध स्टार्ट वाला मैच जो है ना वो जीत भी जाए तो ला फिर हमारा जी वर्ल्ड कप पूरा हो गया हम इंडिया से जीत गए लेकिन ये कि दूसरे मैच में फिर एक लाइन लगा के बैठे होते हैं ये सीन है लेकिन इस दफा यार बहुत मीम बने हैं और क्योंकि फ्लॉप पूरी तरह हुए हैं ना नहीं जब तक ऐसी एक हालत रहेगी ना पे तब तक ये जीत भी नहीं पाएंगे चाहे जो भी हो जाए मतलब कि एक टीम से जीतो और जीतने वाली बात भी नहीं है भाई एक 18 दफा 20 दफा तो हार चुके हैं अब भी मतलब कि जब भी कोई मैच होता है तो इनके एक मतलब कि हाइपर ऐसे क्रिएट करते हैं ना जैसे मतलब कि पता नहीं एक क्या से क्या कर देंगे फिर भी ना बहुत एक अच्छा है कि एक मीम्स भी थे रोस्ट भी था आज भाई बीच में नहीं बोला एक थोड़ा सा मजाक नहीं आया काम मान
नहीं नहीं, एक बार उन्होंने सही एक बनाई है मीम्स, तो बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।